मुनाफा नहीं देते कुछ लोग, लेकिन जिंदगी में अमीर बना देते हैं। उन्हीं हजारों लाखों में से आप एक हैं दोस्तों। और मैं आपको उसी रेट में प्रोवाइड करवाता हूं जिस रेट में यहां के लोकल होलसेलर और रिटेलर को माल मिलता है। ट्वेंटी फोर आवर्स आपको वाराणसी जंक्शन से ऑटो रिक्शा ये सब मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सब देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। और इस YouTube चैनल के ऊपर दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आता हूं बनारसी साड़ियों का वीडियो, जो कि आप में से काफ़ी सारे लोग हमारे इधर से ऑलरेडी मंगाकर अपने घर से दुकान से व्यापार बिजनेस कर रहे हैं। बाकी आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे कुछ ही टाइम के बाद आपको यहाँ पे हमारा नंबर मिलेगा, आप उस नंबर को ऐड करके मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सब टोटल यहाँ पे आपको बनारसी साड़ियों का कलेक्शन मिल जाने वाली है दोस्तों। और इसी ढंग से मैं वीडियो बना बना कर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर अपडेट करते रहता हूँ। तो चलिए अब हम आपको कलेक्शन लगे हाथ दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक पीस हम आपको दिखाए, ये सब अभी सारी फिनिशिंग में से आई है। तो इसका पूरा बंडल का मैं आपको कलर यहाँ पे ऐसे ही दिखा देता हूँ। तो ब्लैक कलर की साड़ी होगी, ब्लाउज का पीस और ये पल्लू जाएगा इस ढंग से, ऐसा कुछ इसका टोटल काम आने वाला है। और कलर इसके अंदर आपको चार पाँच छः सात कलर यहाँ पे मिल जाने वाली है। बाकी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या फैब्रिक है, क्या प्राइस है, इसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर अब शो हो रहा है आपको, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये सब देखिए ऐसे पॉलिश होकर ये सब साड़ियाँ आती है इस ढंग से। तो ये पल्लू की पार्ट हो गई और यहाँ पे देखिए बॉडी पार्ट हो जाएगा साड़ी का। नेक्स्ट पीस सब हम आपको दिखाएं। नेक्स्ट देखिए ये वहाँ पे पल्लू की पार्ट, वो पल्लू हो जाएगा और पूरी साड़ी का ये काम इस ढंग से आपको जानने वाली है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। पल्लू का पार्ट जैसा कि मैंने आपसे बताया ही पल्लू, और उधर में आप देखो वहाँ पे प्लेन ब्लाउज का पीस होगा पल्लू का कुछ इस ढंग से, और ये पूरी साड़ी अपना ऐसा जाने वाला है। बाकी और भी कुछ पीस यहाँ मैं लेकर बैठा हूँ दोस्तों। ये हमारी फर्म का नाम है और लक्ष्मी टेक्सटाइल हो जाएगा, और एक खास आपको बनारस में शॉप हमारी मिलेगी। खास बनारस में बोला जाए तो वाराणसी जंक्शन से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस पे ये हमारी शॉप है। थोड़ा सा देहात इलाका है, गांव घर वाला इलाका है हमारा यहाँ पे। आप आएंगे तो 24 आवर्स आपको वाराणसी जंक्शन से ऑटो रिक्शा ये सब मिल जाएगा। तो भले आप जो है कि बनारस आते हैं, शहर में रुकिए, सिटी में रुकिए, क्योंकि हमारे एरिया में जो है कि आपको होटल उटल ये सब व्यवस्था तो नहीं मिलेगी। बट अगर आप शहर में भी रुकते हैं और वहाँ से 5-7 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर कवर करके आप आते हो मेरे पास चलकर, तो जो शहर के अंदर से जो साड़ियाँ आप खरीदोगे उससे कहीं हाफ प्राइस में और उससे बेस्ट क्वालिटी में आपको यहाँ चीज़ें मिलने वाली है। क्योंकि शहर के जो दुकानें हैं वो हमारे जैसे व्यूअर से खरीद कर लेकर जाते हैं, और मैं आपको उसी रेट में प्रोवाइड करवाता हूं जिस रेट में यहाँ के लोकल होलसेलर और रिटेलर को माल मिलता है, और कहीं बेस्ट क्वालिटी हम आपको बना कर देते हैं। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप लोग यहाँ आकर परचेज करें तो आपको सामान भी बेस्ट मिलेगी और प्राइस भी बेस्ट मिलेगा। हमारे द्वारा जो भी कलेक्शन
दिखाई जा रही है क्वालिटी को लेकर नंबर वन उतरेगा जो मैं बोल रहा हूँ। बाकी आप आएंगे ले जाएंगे या जिन्होंने मंगाया है उनको ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता है। ये देखिए दोस्तों, तो साड़ियाँ तो बहुत है दोस्तों, आपको दिखाने लगे तो काफ़ी समय हो जाएगा क्योंकि समय की भी एक मर्यादा है और समय के अंदर में ही सारी चीज़ों को करना है। एक दिन में ही पूरा कलेक्शन दिखा नहीं देंगे, अगर एक दिन में ही कलेक्शन दिखा दिया तो फिर हमारी आपके मुलाकात कहाँ हो पाएगी। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हम आप लोगों को बता सके, दिखा सके। बाकी अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपका अपना चैनल है। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे चैनल के फैमिली मेंबर हो जाएंगे। ये देखिए ऐसा कुछ इस साड़ी का काम आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कलेक्शन की कोई कमी नहीं होने वाली है यहाँ पे आपको। आप जिस टाइप का खोजेंगे उस टाइप का कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। ये रहा, और देखिए अभी लाइट है नहीं हमारे यहाँ, इन्वर्टर से जो काम हो रहा है सो हो रहा है। क्या है कि अभी हमारे बगल में जो रोड है सड़क, उसकी चौड़ीकरण हो रही है। चौड़ीकरण में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का घर मकान टूट गया और उसको टूट जाने से वो रास्ता चौड़ा जो हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पोल है, मैं आपको एक नज़र दिखा दूं, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पोल है वो सब एक जगह से दूसरे जगह अभी सब कर रहे हैं, तो इसीलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। लाइट कभी रहता है कभी नहीं रहता है। सामने यहाँ पे देखिए आप, ये सब जो एक दृश्य है, अगर आप दुकान पे आते हो हमारे तो यही एक फ्लोर ऊपर आएगा, सामने का व्यू पॉइंट कुछ आपको इस ढंग से मिल जाने वाली है। बाकी आप बनारस से आओगे तो आपको इधर से ही आना होगा। तो आइए, तो आपने देखा कि अभी सब चौड़ीकरण में काफ़ी जो है कि प्रॉब्लम परेशानी हो रही है। तो अपने इन बातों को विराम देते हुए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू कलेक्शन के साथ में। और बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एकदम करना मत भूलिएगा और कमेंट करके आप लोग अपनी अपनी फीडबैक भी जरूरी से दीजिएगा मुझे।